48 घंटों में बदमाशों ने दो बड़ी वारदातों को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती दी डाली। कल जहां शमशाबाद में सर्राफ दंपति की निर्मम हत्या की, तो वहीं आज बरहन के आमरकेड़ा में स्थित आर्यावत बैंक में बाइक सवार बदमाशों ने ग्राहकों और कर्मचारियों का बंधक बनाकर लाखों की चोरी की। इन दो बड़ी वारदातों से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। शमशाबाद थाना क्षेत्र में सर्राफा व्यवसायी और उनकी पत्नी की निर्मम हत्या के बाद बदमाशों ने एक बार फिर आगरा पुलिस को खुली चुनौती दी है। बुधवार को बरहन थाना क्षेत्र के आवरखेड़ा इलाके में दिन दहाड़े बदमाशों ने बैंक में डकैती की वारदात को अंजाम देकर जिला पुलिस के होश उड़ा दिए हैं। दरअसल मामला बरहन थाना क्षेत्र के आवरखेड़ा चौकी इलाके से जुड़ा है। बताया जा रहा है कि बरहन थाना क्षेत्र के आवरखेड़ा चौकी से महज 300 मीटर की दूरी पर आर्यव्रत बैंक स्थापित है। आर्यव्रत बैंक में आई बदमाशों ने बैंक मैनेजर और गार्ड के साथ में मारपीट करने के साथ साथ बैंक में लूट और डकैती की वारदात को भी अंजाम दिया है। ग्रामीणों ने इस पूरे मामला की सूचना जब पुलिस अधिकारियों को दी, आनन फानन में पुलिस के होश उड़ गए। इलाकाई पुलिस से लेकर क्षेत्र अधिकारी और SP मौके पर पहुंचे। इस मौके पर बैंक प्रशासन का कहना है कि अज्ञात बदमाशों द्वारा बैंक में दिन दहाड़े डकैती की वारदात को अंजाम दिया है। देखिए ये जो घटना है आज थाना बरहन क्षेत्र की है। यहाँ पे आवलखेड़ा चौकी के क्षेत्र में एक आर्यावर्त बैंक करके बैंक की ब्रांच है। यहाँ पर लगभग 3:30-3:30 के बीच में चार पांच लोग, जैसा कि यहाँ के लोगों का कहना है, घुसे और उन लोगों ने डरा धमका के यहाँ से पैसे लूट लिए हैं। और चूंकि उन लोगों की आकांक्षाएं शायद ज़्यादा थी और उनको पैसे यहाँ पे कम मिले हैं, इसलिए उन लोगों ने मैनेजर के सर पे बट भी मार दिया है, इसलिए उनके सर में थोड़ी चोट आई है। वैसे चोट गंभीर नहीं है और वो खतरे से बाहर हैं। सर पे थोड़ी चोट लगी थी इसलिए हल्का सा खून बहा है और अभी मुकदमा दर्ज कर विवेचना की जाएगी और जल्द से जल्द इस घटना का अनावरण किया जाएगा और अपराधियों को पकड़ा जाएगा। पूछताछ की अंदर संख्या 5 बताई जा रही है, सभी पे हथियार थे, किस तरह से बंधक भी बनाया, मारपीट भी की अंदर और पता लगा कितना कैश के करीब? देखिए कैश जैसा कि मैनेजर बता रहे हैं, अभी इन्होंने फाइनल काउंट नहीं किया है, लेकिन इनका ये कहना है कि यहाँ पे कैश ये लोग ज़्यादा रखते नहीं थे और अभी कुछ डिपॉजिट हुए थे बड़ी मात्रा में, तो कुल मिलाकर इनकी उम्मीद जो है कि 3-3.5 लाख के आसपास मैक्सिमम गए होंगे, उससे कम भी अमाउंट हो सकता है, इसलिए कि वो ज़्यादा जल्दी आए थे और तुरंत निकल गए, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे कैश इनको मिला नहीं और साथ ही साथ यहाँ पे कोई गार्ड भी नहीं था, इसलिए उनको घुसने में आसानी भी पड़ी और मुश्किल से 5 मिनट तक इन लोगों ने यहाँ पे समय 5-10 मिनट समय व्यतीत किया होगा। उसी में इन लोगों ने अंदर में 7 स्टाफ हैं और जो है 5-6 लोग थे वहाँ पे पब्लिक के, उन लोगों को कुछ देर तक रोका और डरा धमका के स्टाफ से पैसे लिए। सर चौकी महज कुछ दूरी पे है, एक बड़ी चुनौती है पुलिस के लिए कि पुलिस के होते हुए भी नज़दीक उन्होंने इसमें बड़ी वारदात की, ये अभी इस पे कमेंट करना जरूरी है। बदमाश अंदर आए और हाथापाई चालू कर दी, कैश की डिमांड करने लगे, अंदर की चाबी मांगी, थोड़ा विरोध करने पर उन्होंने तमंचे तान दी, उसे फाड़ दिया और अंदर कैश खुलवा के जबरदस्ती, क्योंकि तो जान की भी बनाई थी, थोड़ा बहुत कैश था वो जो है अंदर उसको ले गए, करीब 3 लाख रुपये। गार्ड वगैरह कोई नहीं थे क्या आज? आज कोई ड्यूटी नहीं लगी थी पुलिस की कोई? आगरा में बेलगाम बदमाशों ने 48 घंटे के अंदर दूसरी बड़ी घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल हम खड़े हैं आगरा के थाना बरहन के आवलखेड़ा में, जहां एक आर्यावर्त बैंक में दिन दहाड़े पुलिस चौकी से महज 100 मीटर की दूरी पर बैंक को लूटा गया है। बैंक को बताया गया है कि बैंक को करीब आधा दर्जन बदमाशों ने जो बाइक पर सवार थे तमंचे के बल पर लूट लिया। तो वहीं सूचना के अनुसार बताया गया कि जब बदमाश अंदर पहुंचे सबसे पहले उन्होंने सभी को बंधक बना लिया, उनके साथ ही बैंक मैनेजर के साथ साथ बैंक कर्मचारियों और ग्राहकों के साथ मारपीट भी की गई। हालांकि सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है और यहां पर फिलहाल जहां हम खड़े हैं तो आप देख सकते हैं ये वही बैंक है जहां पर यह लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। दिन दहाड़े करीब
आधा दर्जन बदमाश यहाँ पहुँचे और हथियारों के बल पर बदमाशों ने सभी को बंधक बना लिया। उसके बाद करीब 3 लाख रुपए कैश जो कि बताया गया है यहाँ से लूटा गया है। उसके बाद उनके साथ जो कर्मचारी थे, बैंक मैनेजर थे और यहाँ तक के ग्राहकों के साथ भी मारपीट की गई है। मारपीट में हालांकि किसी को गहरी चोट नहीं पहुँची है। पुलिस के अनुसार बैंक मैनेजर के साथ जो मारपीट हुई उसमें उनके सर में चोट आई है, उनका इलाज करवाया जा रहा है। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जांच शुरू की है और मौके पर यहां एसपी रवि कुमार पहुंचे हैं। इनके साथ खंदौली, परहन और एतमादपुर का पुलिस फोर्स मौजूद है और सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। वहीं जानकारी के अनुसार यह बताया गया है कि बदमाश जो पहुंचे थे वो यहां पर बाइक से सवार थे। बाइक सवार करीब आधा दर्जन बदमाश यहां पहुंचे थे जिन्होंने सबसे पहले ग्राहकों को बंधक बनाया, कर्मचारियों को बंधक बनाया, बैंक मैनेजर को भी बंधक बनाया और उसके साथ मारपीट भी की। फिलहाल जानकारी के अनुसार करीब 3 से 3.5 लाख रुपए कैश जो कि लूटा गया है और पुलिस ने हालांकि चारों तरफ नाकेबंदी कर दी है और बदमाशों को पकड़ने का दावा किया जा रहा है। आगरा के एतमादपुर के थाना बरहन के अवलखेड़ा से पवन शर्मा, खबर एक्सपर्ट।